हाँ जी, आज अपन जिहड़ा चौथा चैप्टर है उसका सैकेंड पार्ट करन जा रहे हैं, जिहदे विच आपां करांगे फिल्टर सर्कल। जिवें आपां पहलां पढ़ चुके सीगे फुल वेव रैक्टीफायर, आपां हाफ वेव रैक्टीफायर पढ़िया सीगा, ते उहदे विच आपां कीता सीगा वी जिहड़ी रैक्टीफायर आउटपुट वोल्टेज आउंदी है, डीसी वोल्टेज आ रही है, आउटपुट आ रही है, उह फ्लक्चुएट करदी है, प्योर डीसी नहीं है। उन्होंने पी प्योर डीसी कन्वर्ट करने आप जो फिल्टर सर्कट यूज करते हैं, ये चार तरह के फिल्टर सर्कट पढ़ा आप, सारे आप हाफ वेव फुल वेव जी दोनों ही पढ़ा। पहले नंबर पर जो अपने को है फिल्टर सर्कट है वो है सीरीज इंडक्टर फिल्टर, इंडक्टर ना कला यूज करना। दूसरा फिल्टर सर्कट है कला कपैसिटर आप यूज करना, शंट कपैसिटर फिल्टर कहते क्योंकि आप पैरल लाने। तीजा है अपने को चोक इनपुट फिल्टर जिन्होंने आप एल सी फिल्टर कहने, एल सैक्शन फिल्टर कहने। चौथा है अपने को कपैसिटर इनपुट फिल्टर जिन्होंने आप कहने मोस्ट इंपोर्ट ज़्यादा पाई सैक्शन फिल्टर। ये नाम ने इन्हों के नाम के बेस पर कोई दो फिल्टर थोड़ा पेपर के आ सकते हैं, सीरीज इंडक्टर, कपैसिटर, शंट, एल सी फिल्टर, पाई सैक्शन फिल्टर। हम आप पहले नंबर से आप जो पढ़ना वो है सीरीज इंडक्टर फिल्टर। सीरीज इंडक्टर फिल्टर का मतलब की है भी जो इंडक्टर आप सीरीज चलाने उन्हों का कम की है, मतलब आप को जी डायट तो बाद इतों 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 पहले तो ए सी तो बाद जी डायट तो बाद अपने को आई हाफ वेव दे, ठीक है। ये इंडक्टर की प्रॉपर्टी है जो करंट इनक्रीज करता तो इनक्रीज कर रोकता, जो डिक्रीज करता करंट का डिक्रीज होने रोकता, किमें जो इनक्रीज करता तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता, मैग्नेटिफिड करता उन्होंने अपोज करता, इंड्यूस करंट जो प्रोड्यूस अपोज करता भी इनक्रीज नहीं होगा तो यदि वैल्यू घट जानी इतना आ चीज़ घट गई। जो करंट इधरों बंद हो गया तो ये मैग्नेटिफिड सैटअप हो जाता, मैग्नेटिफिड करता इंड्यूस करंट प्रोड्यूस कर देता, तो इतों जाके करंट एकदम नीचे नहीं होना, ये जो इंड्यूस करंट आते आउटपुट के आने लगना, तो इस तरह की बन जूगी ऐ करके फ्लक्चुएशन, हम फ्लक्चुएशन घट जूगी, ठीक है आ चीज़, ठीक है। यू आप कहने सीरीज इंडक्टर फिल्टर। दूसरी गल एक तो यह थोड़ा दस्या भी प्रॉपर्टी किमें आउटपुट आँदी है ना, दूसरा मैं थोड़ा ये दसदा वा ये जी रेजिस्टेंस होंगी है वो होंगी है ईओटा मेगा एल, आगे फ्रिकुएंसी ईओटा कंपलैक्स क्वांटिटी है, यह जी इंडक्टर की इंडक्टेंस एक्स एल। हूँ ये आ चीज कॉन्सटेंट आ भी चीज कॉन्सटेंट है तो यहाँ डायरैक्टली कॉन्सटेंट कि बराबर है मेगा एल, यदा मतलब जिनी फ्रिकुएंसी ज़्यादा होगी उन्ना यह उसके लिए इंपीडेंस रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा, जिनी फ्रिकुएंसी घट होगी वो जी रेजिस्टेंस जीरो होगा। जे मान लो हम डीसी है जो डायरेक्ट करंट आदि फ्रिकुएंसी कितनी होती है जीरो क्योंकि फ्लक्चुएट नहीं करता, तो डब्ल्यू वैल्यू जीरो पुट मेगा की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो यदि रेजिस्टेंस कितनी आ गई जीरो, यदा मतलब डीसी में पास कर दूगा। जी ए सी होगी फ्लक्चुएट करती वो फ्रिकुएंसी जो ज़्यादा होगी तो उन्होंने ब्लॉक कर दूगा, यदा मतलब डीसी पास करता ए सी में ब्लॉक कर देता, तो अपने को प्योर इतने डीसी आना है, इन्हों आप कहने एल फिल्टर और सीरीज इंडक्टर फिल्टर। हूँ असर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करना, यहाँ सोल्यूशन कटना, ठीक है। कहना सपोज कर लो आप वोल्टेज अप्लाई की है ई एम साइन ऑफ मेकर, कहना आई करंट है जो सर्कट के अपने को ई इज इक्वल माइनस हो जाएगा माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू आई टू आर, मतलब ये क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगी, मतलब ई वोल्टेज अप्लाई की जी एनी वोल्टेज ये क्रॉस ड्रॉप होगी, तो बाकी कितनी रहेगी जी आउटपुट से आई इन टू आर है वोल्टेज बीजिक वायर आल फार्मूला था इतना आप ई की वैल्यू कट लिया। हूँ आप इधरले पास रह गई ई की वैल्यू आप इतों चक आया पुट कर एक अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई जिसे दो पार्ट हो कि एक आप कंप्लीमेंट्री फंक्शन कहने एक पर्टिकुलर इंटीग्रल कहने, आर है कंप्लीमेंट्री फंक्शन हो गया आ पर्टिकुलर इंटीग्रल। हूँ दोनों में अलग अलग सूल जिमें मैथ भी सॉल्व करते हो पौधे सॉल्व करा पहले आप जीरो के बराबर पुट कर लेने कंप्लीमेंट्री फंक्शन तो अपने को आवेशन आएगी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जी परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन यदा सोल्यूशन आ होंगे आई जिक आई के वेरिएबल आ ए इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ अपने को जी आई नीचे लैके ए की सारी वैल्यू मैं आर एल इंटू टी डिवाइड बाय एल यदा सोल्यूशन आ गया। हूँ आप दूसरे पास का सोल्यूशन कटना पर्टिकुलर इंटीग्रल का वह सोल्यूशन थोड़ा याद रखना मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल का सोल्यूशन जो होंगे वो आई जिकू ई एम कौन आर एल का स्केयर अमेगा स्केयर एल का स्केयर एंड रूड
साइन ऑफ नेगेटिव प्लस माइनस फाइव, क्योंकि जिन्होंने सॉल्व करोगे तो थोड़ा जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा लेंथी होना, तो तुम्हें याद रखना पैना भी एक पर्टिकुलर मैथ का क्वेश्चन है, क्योंकि मैथ भी तुम्हें दसा पूरा एक सम है बड़ा सारा, ठीक है। तो अपने को इन्ना टाइम नहीं होंगे तो आप इनू कोशिश करो याद कर लो, जो तुम्हें आता तो सॉल्व कर सकते हो टाइम कर सकते हो चंगी गल। आई भी निकल गया हूँ, आप टैन ऑफ फाइव कर टैन ऑफ फाइव कि आप फाइव इज इक्वल टैन वर्स ओमेगा एल अपॉन आर, ठीक है। हूँ ये भी तुम दसा टैन फाइव किमें कटे, ठीक है। हूँ डायट का जो करंट हो गया वो आई इज इक्वल कि बराबर हो गया कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल का दोनों सम, आप दोनों प्लस करता। हूँ जो टी की वैल्यू जीरो तो आई की वैल्यू कितनी है जी, तो टी की वैल्यू इतने जीरो पुट कर दो तो आई की वैल्यू जीरो पुट कर दो, तो ए की वैल्यू अपने को निकल गई, ए की वैल्यू आप इतने पुट कर दो तो टोटल अपने को आई की वैल्यू अपने को आ चीज़ निकल गई। हूँ जो कट ऑफ एंगल आ गया जो आई की वैल्यू कि ओमेगा जीरो थीटा टू तक पहुँच गया, थीटा टू लगता कितने है डायग्राम बनी बनाई है, थीटा टू का मतलब की है जिते जाके वो जो डायट से इस तरह अपना सी ना बनाया अपने आ चीज आ हाफ वे चाह हों इतने तक इतों इतने तक इतने जाके कंडक्ट करना बंद कर गया डायट थीटा टू से, इतने तक कंडक्ट नहीं किया, इतों जाके फिर कंडक्ट करना शुरू करता, ठीक है। उदो अपना आई की वैल्यू कितनी होगी जीरो, आई की वैल्यू कितनी होगी जीरो, तो आप पुट करता आई की वैल्यू जीरो थीटा जी करो थीटा टू आ वैल्यू पुट करता, ठीक है। तो अपने को इतों जी टैन फाइव आप वैल्यू कर ली कॉस ऑफ फाइव आप कैलकुलेट करके टैन फाइव की वैल्यू कर ली, ठीक है। टैन फाइव की वैल्यू कितनी आ जाएगी जहाँ कॉट फाइव की आज को कॉट फाइव आ गया दिस वन, हूँ अपन पता टैन फाइव अपने को मेगा पौन आर एल के बराबर, कॉट फाइव अपने को आर एल पौन मेगा गया, इतों कॉट फाइव की वैल्यू कर ली, तो दोनों रिलेशन आ गया। मतलब की है जिनी डिस्टेंस बधावे तो इंडक्टर कि बदलना चाहिए की फर्क पेगा, जे तो मेगा एल पौन आर एल की वैल्यू जीरो तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, जिनी मेगा एल पौन आर एल की वैल्यू ज़्यादा होगी इन्ना बढ़ूंगा, जो मेगा एल पौन आर एल की वैल्यू जीरो होगी तो यहाँ मतलब ज्यों ज्यों आप एल की वैल्यू घटाई जाने लोड डिस्टेंस की वैल्यू घटाई जाने उन्ने ग्राफ है दूसरा स्मूथली बनता जाता, यदा मतलब कि हाई लोड नहीं है यूज़ कर सकते, आप लो लोड भी यूज़ कर सकते, ठीक है। उस तो बाद एफिशेंसी कटनी है डीसी वैल्यू ऑफ करंट आ वो ई एम पौन टू पाई आर एल इंटू वन माइनस कॉस ऑफ थीटा टू है, याद रखनी तुझे ये भी आप सॉल्व की, ठीक है। तो आई डी सी भी आई डी सी इंटू आर एल आ गया, आर एल ने मल्टीप्लाई करता आर एल कट्टा गया, तो एफिशेंसी के बराबर आई डी सी पौन आर एम इंटू सॉ मैक्सिमम वैल्यू नहीं की है, तो आई डी सी वैल्यू पुट कर दो इतों अपॉन टू पाई इंटू ई एम ने ई एम कट्टा गया, तो अपने को आई एफिशेंसी आ जाएगी। हूँ आप यही चीज़ करनी है फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव के होगा आप सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर यूज करा वो इंडक्टर लाता तो इतों आप जाकर उद्दीन रिस्टेंट लाता ये फुल वेव बन गया, ठीक है। हूँ ये इस तरह बन गए ग्राफ देखो ये मैक्सीम वैल्यू नहीं जाएगी क्योंकि डायट जरा इंडक्टर है यपोज करता यहाँ मतलब करंट घटाऊगा तो यह मैक्सीम करंट करंट नहीं जाऊगा तो ये बिच रहेगा ना नीचे नहीं जाऊ ना उपर जाऊ इन विद विदाउट फिल्टर आ सी विद फिल्टर अपने को आ चीज बन गई। हूँ आप करा रिपल फोरियर सीरीज ना सॉल्व ये सौखा तरीका सेंटर टैप ट्रांसफार्मर जो फोरी सीरीज के आउटपुट आती है अपने को आ एक्सप्रेशन तुम्हें याद रखना पैना फोरी सीरीज है कि बराबर है टू ई एम पॉन पाई मैन फोर ई एम पॉन थ्री पाई इंटू कॉज ऑफ टू थीटा मेगा टी मैन फोर ई एम पॉन पंद्रह पाई कॉज ऑफ फोर मेगा टी मैन ई एम पॉन पैंती पाई कॉज ऑफ सिक्स मेगा टी। हूँ एक ए सी कंपोनेंट कहना इन्होंने देखो आ रहे ये वेरी कर दें कॉस थीटा कॉस थीटा डी सी कंपोनेंट कहना होगा जिन्हें कोई कॉस थीटा नहीं लगे है सीधी स्टेट कॉस थीटा आप लिख लिया डी सी वैल्यू नहीं आ गई आई ई डी सी आ गया तो आई डी सी कटना हो अपन ओम दुलारा फार्मूला वी जिकलू आई आर आई जिकलू वी अपॉन आर तो वी अपॉन आर ये वी अपॉन आर आर एल लिखता तो अपने को आ ही जाने। हूँ इंपीडेंस इंडक्टर कटना अपने लोड है सैकंड कंपोनेंट की सैकंड कंपोनेंट की आप इंपीडेंस कटनी देखो सैकंड कंपोनेंट आह ओमेगा एल लगे है डबल ठीक है टू ओमेगा फ्रीकुएंसी डबल हो गई नाल एल आ गया क्योंकि आप आर एल का स्केयर प्लस ओमेगा एल का स्केयर लिख दें हूँ ओमेगा की जगह कि टू डबल हो गया तो टू ओमेगा एल का स्केयर का अंडर रूट लिख देंगे तो अपने को फोर ओमेगा स्केयर आ जाएगा इदा ही जब फोर्थ कंपोनेंट कटना होते फोर ओमेगा एल आजगा तो अंडर रूट आजगा दोनों मेन कट लेंगे क्योंकि जेड एल कि बराबर होंगे आर एल का स्केयर प्लस ओमेगा एल का स्केयर का अंडर रूट पर ओमेगा कि इतने टू है इतने फोर है तो फोर कर देंगे तो आ गया हूँ आर वधी जाता
ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਟਰਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਲੈਕਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਮੇਗਾ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੈਲਿਊ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਟਰਮ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਏ ਸੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਏ ਸੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਹ ਵਾਈ ਹੈ ਆਹ ਵਾਈ ਇਹ 'ਚ ਏ ਸੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਹ ਆਪਾਂ ਨਲੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਆਹ ਡੀ ਸੀ ਆ ਗਈ ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲੀ ਏ ਸੀ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਇਹ ਏ ਸੀ ਲਿਖ ਲਈ ਏ ਸੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਲਈ ਹੁਣ ਰੂਟ ਮੀਨ ਸਕੁਆਇਰ ਯੂਅਰ ਲਿਪਰ ਰਿਪਲ ਫੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਵੇਵ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਸੀ ਈ ਨੋਟ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆਈ ਨੋਟ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਚਾਹੇ ਈ ਨੋਟ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਈ ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਆ ਬਾਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਫੋਰ ਓਮੇਗਾ ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਹੁਣ ਰੂਟ ਮੀਨ ਸਕੁਆਇਰ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ ਰੂਟ ਮੀਨ ਸਕੁਆਇਰ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਆਈ ਏ ਸੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਬਾਈ 2 ਅੰਡਰ ਰੂਟ 4 ਈ ਐਮ ਅਪੋਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਕਲ ਆਈ ਆਰ ਆਰ ਫਾਰਮ ਲਗੇ ਆਈ ਜਿਕਲ ਵੀ ਪੋਨ ਆਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਪਈ ਹੈ ਆਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਪਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਿਪਲ ਫੈਕਟਰ ਕੱਢਣਾ ਆਈ ਏ ਸੀ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਆਈ ਡੀ ਸੀ ਆਈ ਏ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਆਈ ਡੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਕੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਆਈ ਡੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੱਟਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਆਰ ਐਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਪਲ ਫੈਕਟਰ ਇੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਆਰ ਐਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਰਿਪਲ ਫੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਾਮਾ ਹੀ ਸਮਾਲ ਇਫ ਆਲ ਐਲ ਇਜ਼ ਲਾਰਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਾਮਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਸਮਾਲ ਹੋਊਗੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਰਿਪਲ ਫੈਕਟਰ 'ਚ ਐਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਜੇ ਲੋਡ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਵੇਵ ਲਈ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹਾਫ ਵੇਵ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਫੁੱਲ ਵੇਵ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਇੰਡਕਟਰ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੰਟ ਕਪੈਸਿਟਰ ਕਨੈਕਟਰ ਸ਼ੰਟ ਆਪਾਂ ਪੈਰਲਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਹ ਡਾਇਡ ਆਪਾਂ ਡਾਇਡ ਲਾਤਾ ਹਾਫ ਵੇਵ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਪੈਸਿਟਰ ਲਾਤਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਸ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 1.8 ਓਮੇਗਾ ਸੀ ਓਮੇਗਾ ਲਿਖ ਲਓ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਓਮੇਗਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਉਨੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਇੰਡਕਟਰ ਦਾ ਇੰਡਕਟਰ ਜਿੰਨੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਨੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਉਨੀ ਇਹਦੀ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਹੈ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡੀ ਸੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਤਾਂ ਹੁਣ 1.0 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੀ ਸੀ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ 'ਚੋਂ ਡੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰੂਗੀ ਪਰ ਏ ਸੀ ਦੀ ਇਹਦੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟੂਗੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਏ ਸੀ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰੂਗੀ ਏ ਸੀ ਪਾਸ ਕਰੂਗੀ ਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਇੰਡਕਟਿਵ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਡੀ ਸੀ ਸੀਰੀ ਸਿੱਧੀ ਬਾਹਰ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਡੀ ਸੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਡਰੋਪ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੋਲਟੇਜ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਏ ਸੀ ਸਿਗਨਲ ਦਿੱਤਾ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਏ ਸੀ ਸਿਗਨਲ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਆਹ ਪੜਨੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਫ ਵੇਵ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਪੈਸਿਟਰ ਲਾਤਾ ਤਾਂ ਕਪੈਸਿਟਰ ਕੇ ਫਿਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਕਪੈਸਿਟਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਹ ਬਣ ਫਿਰ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜੂਗੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਪੈਸਿਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ ਹੁੰਦਾ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਲਟੇਜ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਵੀ ਲੋਡ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਦੋ ਐਂਗਲ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਐਂਗਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਐਂਗਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੱਟ ਆਫ ਐਂਗਲ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਕੱਟ ਆਫ ਐਂਗਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਈ ਸੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਈ ਕਿੰਨੀ ਚਾਰਜ ਕੋਲ ਕਪੈਸਿਟਰ ਈ ਐਮ ਸਾਈਨ ਆਫ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਓਮੇਗਾ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਓਮੇਗਾ 2 ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਰੱਖਿਆ ਕਪੈਸਿਟਰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਪੈਸਿਟਰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਇਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਰ ਕਪੈਸਿਟਰ ਕੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਜਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਚਾਰਜ ਕਰਤਾ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗੀ ਹੁਣ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਨੀ ਆ ਉੱਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਆਹ ਵਿਦ ਵਿਦਆਊਟ ਫਿਲਟਰ ਆ ਵਿਦ ਫਿਲਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਈ ਆਰ ਐਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਲੋਡ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਕਰੰਟ ਅਕਰੋਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਈ ਐਮ ਸਾਈਨ ਮੇਕਰ ਅਪੋਨ ਆਰ ਐਲ ਵੀ ਜਿਕਲੂ ਆਈ ਆਰ ਐਲ ਫਾਰਮ ਲਾ ਕੇ ਕਰੰਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਪੈਸਿਟਰ ਕਿਉਂ ਜਿਕਲੂ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੰਟੂ ਵੀ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਈ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡੀ ਕਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ
रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पैक्ट टू टाइम दे। ठीक है, हूँ की किया अपने ये बह के वो वैल्यू पुट सी इन टू वी बराबर होंगे, सी इन टू वी पुट करता, सी कॉन्सटेंट है, ई ई वैल्यू पुट करती, साइन ओमेगा डी आ गया, तो अपने को आई सी की वैल्यू दिखा जी। हूँ टोटल जो करंट हो गया, एक तो आई आर फ्लो कर रहा है, एक आई सी फ्लो कर रहा है, दोनों आप प्लस करता। हूँ ये की किया एक ट्रेंगुलर बना दी, इदा ही हूँ जो टैन फाइव तुम कहते इदा ही बनाया वा, एक तो आप बेस ले रहे वन पॉइंट आर, एक आपने परपेंडिकुलर ले रहा। ठीक है, तो फाइव एंगल ले रहा, तो आप को बेस इंटू हाई बेस का स्केयर हाई अपना परपेंडिकुलर का स्केयर अंडर रूट के अपना हाइपोटेन्यूज बनता, आधार का स्केयर कर्ण का स्केयर लिखू। ठीक है, कर्ण का स्केयर लिखू आधार का स्केयर प्लस लंब का स्केयर मुंडा आप पढ़ते हैं। ठीक है, हूँ ये चो जो मैं इनू बहर कट लिया आ चीज़ सारे तो ये नीचे आज एक तो वन पॉइंट आर एल मैं उपर लिख रहा, नीचे आ आई चीज़ मैं सारी डिवाइड करती साइन ऑफ मेगा डी आ गया, ये भी वन पॉइंट मेगा सी उपर लिख रहा, बच्चे सारी आह टर्म लिखी बच्चे आ लिखा, हूँ आ बन गया कॉज ऑफ फाइव, आ ही बन गया साइन फाइव, पंडर बदरी पछाड़ फार्मूला था ट्रेंगल के उत्ते, आ चीज़ बन गई सौखा काम दसा तो आदमी मैं डायग्राम बनवाई है। ठीक है, तो आप आह चीज़ बन गई, हूँ कॉज है कॉ साइन बी, साइन है कॉज बी, तो साइन ऑफ ए प्लस बी बन गया फार्मूला। ठीक है, हूँ इस आप कॉज फाइव की वैल्यू आ साइन फाइव थीटा की वैल्यू फाइव की वैल्यू ए है। ठीक है, इस तो बाद देखो ये थोड़ा कंप्लीकेशन है कि थोड़ी जी टैन ऑफ फाइव अपने को आजगा एटा मेगा आर एल, जो आप टैन फाइव कटा दोनों डिवाइड करके आ दोनों जी थले टर्म लिखी जाए तो इन्हें आप डिवाइड करेंगे तो आप टाइन ऑफ वाई की वैल्यू आई, यही वैल्यू आप पहले लिखी हुई सी। ठीक है, हूँ टी जी टू टी टू है तो आई जी जो डायड की कंडक्ट करना बंद कर गया तो आई जी वैल्यू कितनी आ गई जीरो, तो टी जी टू टी टू आ गया तो आप वैल्यू पुट करती। ठीक है, इतों अपने को टैन ऑफ मेगा टी दिसवन आ गया, हूँ टैन ऑफ मेगा टी टू जो टैन ऑफ फाई के बराबर आ गया क्योंकि आ चीज़ है अपने को टैन ऑफ फाई के बराबर माइनस पे, तो आप आ चीज़ लिखती हूँ आप दोनों कंपेयर कर ली माइनस एन पाई माइनस मेगा टी टू करता। ठीक है, तो आप टैन फाइव टैन कट्टेगा तो अपने को फाइव की वैल्यू अपने को आ गई, ये फाइव की वैल्यू आप इतने पुट करती जो आप करंट वाली इक्वेशन दे। ठीक है, तो अपने को आ करंट की इक्वेशन नैट अपने को करंट की इक्वेशन आ गई। हूँ कहना जो थीटा जी को थीटा टू है डायर ने की है कंडक्ट करना स्टॉप करता, पर हूँ की जोड़ा करंट फ्लो कर रहा वो कहते करके कपैसिटर चार्ज हो गया तो आई की वैल्यू जीरो हो गई, तो आई सी प्लस आर यार देख लो जीरो हो गया, तो इन्हें दोनों ही वैल्यू पुट करती जीरो हो गया, तो अपना डी सी पॉइंट डी सी की वैल्यू आती आ एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, यदा सोल्यूशन कितने होंगे एक्सपोनेंशियल के आप सोल्यूशन कटता ई सी जी करू ए एक्सपोनेंशियल ऑफ टी पॉइंट आर सी आर आ गया। ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन याद रखना पैना जिम्मे पहला ने जो किया एक्सपोनेंशियल उ ही चीज़ है। ठीक है, उस तो बाद इतों आप ए की वैल्यू कटनी, ए की वैल्यू कटन नहीं अपना बाउंड्री कंडीशन बनानी पैनी है, कहना ई सी जीकू ई एम साइन ऑफ मेगा जीरो मेगा जीकू मेगा टू टी है, तो मेगा जीकू मेगा टू टी पुट कर दो वैल्यू ए वैल ए वैल्यू इतने पुट कर दो अपने इन कॉमन कट के अपना आ चीज़ बन गई आ चीज़ आ गई अपनी। ठीक है, हूँ यही चीज़ दोबारा रिपीट होगी कदों कि साइकिल बाद टू पाई टाइम्स बाद किमें देखो पहला से आ इतों इतने तक आ पाई, इस तो बाद इतने जाके फिर टू पाई होगा टू पाई तो फेज दोबारा रिपीट होंगी हर इतों बाद फिर रिपीट हुई तो आप टू पाई आप ऐड कर देंगे तो ही चीज़ फिर बन गई। ठीक है, उस तो बाद आप सोल्यूशन कटना आई डी सी वैल्यू कटनी है तो वन पॉइंट टू पाई मेगा वन टी वन टू मेगा टी टू लेना वो डायग्राम के देखो अगर यदि आप डायग्राम बनाई थी मेगा टी वन टू मेगा टी टू फिर आप लेना मेगा टी टू प्लस टू पाई। ठीक है, थीटा वन टू थीटा टू ये इंटीग्रेशन लेनी है अपने देखो मेगा टी नहीं पर मेगा टी टू टू प्लस पर मेगा टी वन ये आप सारा सोल्यूशन है इतने तक आह वैल्यू है इतने तक आपने आह वैल्यू है जी आह वैल्यू इतने पुट करती आह वैल्यू जी पहला अपने को हैगी वही। ठीक है, तो हम यहाँ जो सोल्यूशन कटा आप सारे कंबाइन करके रीनेज करके तो अपने को आ रिजल्ट याद रखना आ ई डी सी कुल डिस्काउंट। ठीक है, ये सॉल्व करना थोड़ा औखा होना कंबाइन करके आप सीधे यहाँ रिजल्ट याद रख लेना रिजल्ट लिख देना। ठीक है, इस तो बाद अपने हम यही जी अपनी रिजल्टेंट डी सी वैल्यू आई जी आप अपने वे बन रही आह वाली चीज आ। ठीक है, वो क्वेश्चन बन गई हूँ उस तरह कटना अपनी जी एफिशंसी ट्रिपल फैक्टर ट्रिपल फैक्टर कटना हम देखो क्यों गिरे बराबर क्यों गिरे जिन्ना चार्ज आप करंट पास किया किन्ने टाइम भी पास किया जी क्यों जी करू आई इंटू टी ए बराबर होंगे आई डी सी आप लिखता डी सी करंट तो किन्ने टाइम भी पास किया टू पाई पॉम मेगा टी हों से टू पाई मेगा टी प्लस मेगा आप डिवाइड करता सारे इधर कट्टे गए इधर नीचे आ गया हूँ जो आप मेगा टो कोमन लवेंगे तो अपने को आ चीज़ बन जूगी
ठीक है। हुण ई आर वाले क्यू कौन सी रहा, सी ना डिवाइड करता अपने अपन ई आर लगे। हूँ आई ए सी की वैल्यू कितनी होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ये याद रखनी पैनी क्योंकि ट्रैंगल बन रही है, ट्रैंगल के जी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है ई आर एल जी मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड टू इंटू थ्री इंटू टू होती है, ठीक है। हूँ ये वैल्यू आप इतने पुट कर देनी है ई आर एल की, तो अपने आई ए सी वैल्यू वैल्यू आ वाली है, ठीक है। आई ए सी वैल्यू अपना आई डी सी वैल्यू पहला कटी हुई है, ठीक है। जो आप आई ए सी पाँ आई डी सी कट लेना, तो इनू आप करना आई डी सी ना मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, डिवाइड कर देना, ठीक है। हूँ देखो आई डी सी वैल्यू करना आई आर आई डी सी इंटू आर एल, ठीक है। आई डी सी ना आई डी सी कट्टेगा तो अपने को आर की जी आजगी रिप्रोजेक्ट आज, इन अगर सिंपलीफाई करना एमेगा टी वन मैस एमेगा टू वेरी वेरी लैस दैन टू पाई, इन अपना नैट कर दो तो अपने को रिप्रोजेक्ट आ। हूँ आप फुल वेव का कटना, हूँ फुल वेव लिए इन्होंने गलती की है, जो इतने आ नहीं निकलना इंडक्टर, आप कर रहे हैं शंट कपैसिटर फिल्टर, इंडक्टर का करें ये डायग्राम इन्हें गलत बनाई है, दूसरे दूसरे की है इदा आप फुल वेव का रैक्टीफाई करना, हमें फुल वेव में रैक्टीफाई करूंगा सारे फिल्टर करूंगा, ठीक है। हम देखो ये है नहीं ये अपना एल दी वैल्यू, उस तो बाद आप अगर चलते हैं ये की है सिर्फ करना सारा उही है, पर सिर्फ की है जो साइन ऑफ मेगा टी आप इतने शुरू आर लिखे ना आप क्वेश्चन आर आर साइन ऑफ मेगा टी मेगा टू मैं थ्री पाई, इतने टू पाई है इतने की करना पाई कर देना बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। सारा आर्टिकल उदा ही है, देखो इतने पाई करता मेगा टी मैं इतने भी पाई आ जूगा जो टू पाई से, ठीक है। तो अपने को जो रिपल फैक्टर है वो देखो सेम चीज़ आनी है, इतने टू पाई से इतने पाई आ गया, बाकी सारा कुछ होते हैं आई डी सी भी आ गया, ये सब कंबाइन कर देना, इतने टू पाई आता इतने पाई आई जाना, इतने पाई आए यहाँ रिपल फैक्टर घट जाना, ठीक है। इतने टू से हम फोर आ गया, ठीक है, इतने फोर आ जाए नीचे डिवाइड हो गया, यहाँ मतलब कि रिपल फैक्टर घट गया। हम अगर अपने को है एल सैक्शन फिल्टर, ठीक है, इंडक्टर इनपुट फिल्टर, मतलब एल सी फिल्टर भी कहते हैं, आप एल सैक्शन फिल्टर भी कहने तो इंडक्टर इनपुट फिल्टर भी कहने। हूँ ये की है दोनों चीज़ें लगे होंगे, इतने इंडक्टर लाने ध्यान रखे होना, इतना इंडक्टर ये फुल वाली नहीं अपने को, हम आप हाफ वाला नहीं करना क्योंकि फुल के काम उधर, इतने इंडक्टर लाता ऐसा ही आता। एल सी फिल्टर भी कहते हैं, एल सैक्शन फिल्टर भी कहते हैं, तो एल सी फिल्टर भी कहते हैं, हूँ इन्हें दोनों ही प्रॉपर्टी है। देखो ए सी इन्हें ब्लॉक करी जाना, डी सी इन्हें ब्लॉक करी जाना, डी सी इधर चल जानी है क्योंकि ये ब्लॉक ये ए सी ब्लॉक करूंगा, ए सी स्टोर होनी है, ये ए सी स्टोर होनी है, ये इन ए सी स्टोर होनी है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस ए सी स्टोर होनी है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों ने जी जो इन्होंने दोनों ने कंडक्ट नहीं करना डायरेक्ट ने उदो इन्हें सारी जी वोल्टेज इतने देनी है रिस्टर के कोल, इन्हें भी इन्हें दोनों ने काम करना। हूँ इस देखो कढ़ने लिए आप करेंगे रिपल फैक्टर कढ़नी, पहले फोरी सीरीज जी पहले लिखी से आप उ लिखा आई डी सी वैल्यू कढ़नी, आई ए डी सी वैल्यू आई ई ए सी की वैल्यू निकल गई पहली, तो ई डी सी वैल्यू कढ़नी आप बी जी को आई आर आर फॉर्म ला के आप वैल्यू कढ़नी। हूँ देखो अगे की है, हूँ जो आप जेड टू की डिस्टेंस कढ़नी है, जो आप जेड टू वैल्यू कढ़ उतना एक ही डिस्टेंस ही जी एमेगा ना अपना इंडक्टर, हूँ एक दो डिस्टेंस ने, एक तो लगे इंडक्टर एक लगे कपैसिटर। हूँ देखो ध्यान ना मैं थोड़ा मैं डायग्राम से समझा की फर्क है, जो इंडक्टर लगे है वो सीरीज लगे आ दोनों चीज़ा पैरल लगे हैं, ये पैरल फार्म है जो दो डिस्टेंस पैरल लगे हैं तो वन पॉन आर वन प्लस वन पॉन आर टू होंगे। हूँ इस ध्यान रखो दो चीज़ा पैरल कड़ी हैं सी तो आर, देखो सी तो आर एल आर एल प्लस वन पॉन आर एल लिखा प्लस वन पॉन म्यूटा मेगा सी लिखा, तो दोनों जो एलसीएम कटेंगे तो अपनी बात ही बन गई, फिर ये ना की लगी है सीरीज के दोनों प्लस कर देंगे, ठीक है। तो आर एल की वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर रहने तो आप इन नैट कर देंगे, तो अपने को आ चीज़ आ जाएगी जेड टू की वैल्यू, इन्होंने अपने नैट करता आ कट्टे गया तो अपने को आ चीज़ वैल्यू इन आप जो सॉल्व करेंगे तो अपने को आ चीज़ बन गई जेड टू की वैल्यू अपने को आ निकली है। हूँ आप पीक वैल्यू ऑफ सैकंड हारमोन क्ढा, सैकंड हारमोन कि आवला आवला यदि पीक वैल्यू कि फोर ई एम पॉन थ्री पाई मैक्सीम वैल्यू कि, क्योंकि कॉस्ट डेज वैल्यू वन होनी चाहिए है ना, तो आप मैक्सीम वैल्यू कट के डिवाइड बाय जेड टू कर दो, तो आप इन्होंने जो जेड टू की वैल्यू डिवाइड कर दो तो अपने को आ जाए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ सैकंड कंपोनेंट की कटा आप आई नोट डिवाइड बाय अंडर टू अंड आई नोट की वैल्यू आ करनी उन्होंने अंडर टू ना डिवाइड कर दो, ठीक है। हूँ जो जो आप एल सैक्शन फिल्टर टू मेगा सी वन पॉइंट जो उन्होंने बधाई जावे तो ग्रेटर दैन जीरो होगा तो इन्हों अपना नैट कर देंगे तो अपने को आई टू की वैल्यू आ गई। हूँ जो आप फोर्थ हारमोन की कटा, ठीक है, कैलकुलेट करके ओके तो वो ए सी रहेगी तो हाई टाइम में अपने नैट करी जाना, देखो तीह आ जूगी बहुत ज़्यादा घट जूगी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। इन्हें आप हाई टाइम नैट कर देंगे तो ई टू की वैल्यू निकलगी, ई टू की वैल्यू की निकलगी बी जी करू आई आर आर फॉर्मूला आई इंटू एक्स सी,
एक्स सी वैल्यू पुट कर दा ठीक है ई फोर की वैल्यू निकल जूगी दिस वन इंटू दिस वन ठीक है। हूँ की है इन दोनों में जो डिफरेंस है 0.005 है यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा घट है यहाँ मतलब सारी जी सैकंड टर्म है सारी नेगेट करती हैं आप पहली दो टर्म रखनी है तो गामा डी सी कि पर आ गया आई ई ए सी अपॉन ई डी सी चाहे आई ई सी लिखो ठीक है ई डी सी ए सी वैल्यू ई टू की बराबर है अपॉन आई डी सी वैल्यू होगी दोनों ही वैल्यू आप कभी दोनों वैल्यू पुट कर दो अपने को रिपल फैक्टर निकलू ठीक है। उस तो बाद आप करने की जरूरत नहीं उस तो बाद हैगा तीसरा लास्ट पाई इनपुट फिल्टर और पाई सैक्शन फिल्टर। पाई सैक्शन फिल्टर भी कहने पी सैक्शन फिल्टर भी पी सैक्शन ही पाई सैक्शन फिल्टर कह देने पी सैक्शन गलत लिखा है तो कपैसिटर इनपुट फिल्टर ये की है फुल वेव रैक्टीफायर लाना ये अपने एक कपैसिटर लाता इनपुट के फिर उस तो बाद फिर एल सी फिल्टर लाता। हूँ देखो ये दो अपने बन गए जोड़े फिल्टर ने एक तो शंट कपैसिटर फिल्टर फॉर्मूला एक अपने को एल सी फिल्टर वाला फॉर्मूला इन दोनों में कंबाइन करके आप रिजल्ट कर सकते हैं। इस ज़्यादा कोई करने की लड़ नहीं जो थोड़ा एक घट नंबर के सीधा रिजल्ट होना ज्यादा रख लो सीधा डायग्राम बनाओ उन्होंने सिंपलीफाई कर दो ठीक है। उदा ही इन्हें कपैसिटर ने जो शंट कपैसिटर फिल्टर पहले आप दूजे नंबर पर पढ़िया है ना वह फार्मूला तो एक एल सी फिल्टर जोड़ा आप हूँ पढ़े इन दोनों फार्मूला मल्टीप्लाई कर देना तो यहाँ रिपल फैक्टर आ जाएगा ठीक है। वर्किंग सेम हो ही है भी ये जरा ए सी अपना डी सी ब्लॉक करता ए सी ब्लॉक करता ठीक है कम इन्हों दोनों हुई है जो आप पहला पढ़ चुके हैं ठीक है। हम देखो यदा अपना रिपल फैक्टर कम करते हैं ये आउटपुट आउटपुट वोल्टेज इस तरह की आऊगी फुल वेव भी है यदा पाई जो रिपल फैक्टर पाई है वह बराबर पाई शंट कैपैसिटर फिल्टर की प्लस पाई एल सी फिल्टर का तो दोनों ने अपना रिजल्ट क्ढे हुए हैं पाई सी सी जो आप क्ढे पाई पॉइंट टू इंटू अंडर रूट अमेगा आर सी वन टू आर वन गामा एल क्ढे टू अंडर रूट पॉइंट थ्री वन पॉइंट दिस वन फोर अमेगा स्केयर एल सी टू ठीक है। दोनों मल्टीप्लाई कर दो तो अपने को जो रिपल फैक्टर निकल जूगा पाई सैक्शन फैक्टर आ मैं थोड़ा मैं हर एक बार करवाई दिता वा ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन आउटपुट वोल्टेज नोट वोट एक काम की जरूरत ठीक है ठीक है। ये जो थोड़ा जो अपना फोर्थ चैप्टर फिल्टर सर्कट है ठीक है तो ज़्यादा जो वीडियो लंबी बनाने तो उन्होंने अपलोड करने बहुत ज़्यादा टाइम लगता है थोड़ा मैं स्पीड ना किया वा पर जे फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ लगती तो आप लैक्चर के पुछ सकते हैं ठीक है। तो ये थोड़ा जोड़ा फोर्थ चैप्टर कंप्लीट होंगे तो मैं थोड़ा इजाजत मांगदा धन्यवाद।